दोस्तों जी हैं जी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो पटियाला वाली गाड़ी है उसका जो 4x4 गियर बॉक्स है EMT 90 4+1 गियर बॉक्स है जो चार गियर आगे के हैं और एक रिवर्स का है और 4x4 गियर बॉक्स है 4 व्हील ड्राइव और उसके जो पार्ट्स हम डाल रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं अभी इसमें क्या कमियाँ थी और क्या हम पार्ट्स डाल रहे हैं। सबसे पहले इसके पास के मारे बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। ये इसकी हॉली है गियर की, इसमें पूरा का पूरा गियर सिस्टम इसमें चलता है और पूरे गियर सिस्टम चलते हैं। ये मेन गियर है जो, और ये इसका 4x4 का गियर पीछे वाला है जिसके साथ से अटैच होता है। इसका अंदर का गियर है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से, इसको अंदर का गियर है इसका। और ये इसका कैप है, इसके ऊपर लगेगा ये ऐसे करके, इसका कैप है जी। और ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑयल सील रहती है इसमें और स्पीडोमीटर का गियर इसके अंदर होता है, ये देख सकते हो आप, स्पीडोमीटर का गियर है इसके अंदर। और ये आगे की चिलम है, आगे की चिलम है, इसके ऊपर क्लच बैरिंग चलता है। और ये इसकी जैन किट है पूरी की पूरी, पैकिंग जिसको बोल देते हैं। और ये 4 व्हील ड्राइव का एक लीवर है और ये गियर सा सारे, ये 4 व्हील का गियर है और ये भी 4 व्हील ड्राइव का मेन शाफ्ट से गियर जो लिंक होता है वो गियर है। और ये भी 4 व्हील का गियर है अंदर से,
आगे वाले जो मेन गियर है वो बताता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट गियर है और ये इसका अंदर का स्लीव है, और ये राउटर है, और ये सेकंड गियर है, और ये थर्ड गियर है, और टॉप पर, और इसका फोर्थ गियर अभी बैरिंग डालने के लिए वहाँ पर रखा हुआ है, वो दिखाते हैं हम आपको। ये इसकी फोर्थ गियर की गियर है, और ये टॉप गियर इसको बोल देते हैं हम। बिल्कुल इसकी कंडीशन फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और सारे गियर्स बिल्कुल ओके हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। पूरी बारीकी से देखोगे तो गियर्स ओके हैं बिल्कुल, कहीं से भी घिसे हुए नहीं हैं, और जेनुइन है साथ में। और ऐसी ये सेकंड गियर है, वो थर्ड गियर की करा रही थी, सेकंड गियर की होगी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फर्स्ट गियर की होगी, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये गियर का टॉपा हो गया, और ये लीवर सेट हो गया इसका नीचे, इसके अंदर ही ये जो आगे वाला जो है वो थर्ड और फोर्थ का है, और पीछे वाला जो है फर्स्ट और सेकंड का, और ये रिवर्स का लीवर है। और इसके बाद इसके पार्ट्स हैं जो ख़राब हो चुके थे, रिवर्स गियर की गिरा रही है, अभी देख सकते हो आप गजरा की हम डाल रहे हैं। और ये इसकी डिटेल है सारी, 144 रुपये की इसका प्राइस रेट है, और बहुत ही कॉस्टली सामान आता है, जेनुइन सामान डालने में बहुत हमें कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए हमारी गाड़ियों के रेट्स ज़्यादा होते हैं। बीच को निकाल के दिखाते हैं अंदर से, और ये हैं ब्रास रिंग ये डाले जाते हैं, ये भी ओरिजिनल है, 225 रुपये का एक है, ये भी ओरिजिनल है, और ये गरारी बाहर आ चुकी है पीने से, ये देखिए बिल्कुल ब्रांड नहीं गरारी है, ये गियर बिल्कुल बैक गियर और फर्स्ट गियर दोनों इसमें से ही डलते हैं, जैसे आप देखोगे ये गजरा का ओरिजिनल गियर है। और इसके बाद जो ब्रास रिंग का दिखाते हैं वो भी गजरा का है, वो दिखा रहे हैं हम, ये देखिए ये इसके ऊपर गजरा आपको मेंशन मिलेगा, ये देखिए गजरा इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, और बिल्कुल जेनुइन ये ब्रास रिंग्स हैं, ये तीन पीस डलते हैं इसमें। और आगे इसका मेन जो पार्ट्स कंपोनेंट है वो है काउंटर शाफ्ट, ये हमने बताया था अभी आपको, ये ख़राब हो गई थी शाफ्ट, ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश शाफ्ट है ये, तो इतने जेनुइन पार्ट्स आपको कोई नहीं डाल के देगा। एयर पैन बातों में ज़रूर ध्यान रखें, जीने जी मोटिवेशन आपको पूरी, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, और 110% आपको काम दे रहे हैं सारा, देख सकते हो आप। और गजरा इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे मेंशन है इसका गजरा, ये जेनुइन पार्ट्स है सारा, ये देखिए गजरा गियर्स की ये मोहर है यहाँ पे, और देख सकते हो पूरा का पूरा। और ये डब्बा भी दिखाता हूँ मैं आपको, इसका प्राइस ये देखिए 47,76, 4,000 से ऊपर इसका रेट है, और नियर अबाउट 5,000। और जो बैरिंग्स हैं वो हमेशा ही NMDC के यूज़ करते हैं, टोटल बैरिंग बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये आपके सामने ही इसको खोला गया है, NMDC के बैरिंग जो हैं कंप्रेस्ड, टोटल बैरिंग जो है NMDC के यूज़ करते हैं, और ये काउंटर के बैरिंग दोनों नए डलेंगे, और वो मेन शाफ्ट और फोर्थ गियर के गियर है जो उसके जो बैरिंग्स हैं वो दोनों वो भी नए डलेंगे, आपको दिखा रहे हैं, ये मेन शाफ्ट का बैरिंग है, और देख सकते हो आप, और ये NMDC का बैरिंग है 6406N, ये NMDC यहाँ पे इसमें मैनेज है, मैंशन है। और ये टॉप गियर का बैरिंग है NMDC का, ये भी ये 6308N 6308N इसका नंबर है। और उसके बाद ऑयल सील है सारी, बिल्कुल न्यू है आगे पीछे की, और ये गियर के दोनों कपलिंग की सील्स हैं आगे वाली, और दोनों शाफ्ट जहाँ से ड्राइव होती हैं वहाँ की ये ऑयल सील्स हैं, और ये लीवर की सील्स हैं, जो लीवर आगे पीछे होते हैं उनकी सील्स हैं, यहाँ से ऑयल ना आ सके। और ये आगे वाली चेलम की सील है, चेलम की सील है ये आगे वाली छोटी। और इसी तरह से सारे बैरिंग्स नए डालते हैं, और ये दोनों शाफ्ट हैं यहाँ पे,
ये फोरविल की शाफ्ट है और ये मेन शाफ्ट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी है, इनको कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। और ये रोलर बैरिंग है, बिल्कुल हमने ब्रांड न्यू लेके आए हैं इसके लिए। ये डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, ये भी हम कंपनी के यूज़ करते हैं, NRB के, देख सकते हो आप। सारे बैरिंग जो हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, इस पर भी मोहर जो मेंशन रहती है। इसमें देख नहीं रहा कैमरे में, ये बहुत बारीकी से चलो कोई दिक्कत नहीं। और ये आगे लीवर की हांडी है और जिसका हाउसिंग है, ये हाउसिंग बिल्कुल जेनुइन है और जेनुइन हाउसिंग इसमें यूज़ करते हैं हम, कोई भी हैंडमेड या कोई ऐसी आइटम कुछ भी नहीं यूज़ करते, जो कंपनी मेड आइटम्स हैं वही हम सब यूज़ करते हैं, आपने देख ही लिया है सारी वीडियो में। तो किसी भी पार्ट्स की वैसे तो टोटली मैंने जानकारी दे दी आपको, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, और फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना सर। और सबको, सब भाइयों को बहुत बहुत प्यार, हमारी जो वीडियो देखते हैं बहुत हमें प्यार करते हैं और हमें लाइक शेयर करते हैं, इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखें और हमें लाइक शेयर करते रहें और कमेंट्स करते रहें। और जो जिन भाइयों ने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा दें ताकि उनको आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।